हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो की हाल है तुहाडा? ठीक हो ना? खुश हो यार? आप लोगों को पता है कि मेरी फेवरेट जगह जोड़ी हैगी है, तो पचिंकी हैगी है। तो मैं इतने लैंड हो चुकी हाँ। इतने वो काफ़ी बंदे आए, एक डुओ आया हुआ सी, एक पूरा का पूरा स्क्वाड आया हुआ सी, और दोनों टीम इन अच्छा हैगियाँ सी, तो उन्हों का की हिसाब नहीं है सी। तो यार एक बंदा इतना कुछ ज़्यादा प्रो था, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मतलब समझ रहा था, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा प्रो बंदा है। या मेरे हाथ में शॉटगन आ गई थी, ये बंदा 1v4 करना चाह रहा था पिस्टल से, बट इसकी काम नहीं आई पिस्टल, और यहाँ पे फोत हो गया शॉटगन से। शॉटगन से कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा नहीं फोत होता, मेरे हाथों से तो कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मेरी किस्मत चंगी है जिस क्या फोत हो गया। इतने मैंने मिल गई M416, मेरी फेवरेट गन। यहाँ पे बेचारा बंदा आया मेरे से ना कुट खाने आया था, वैसे मुझे मारने आया था अपनी तरफ से, तो लेकिन मेरे से कुट खा गई बेचारे ने। तो मैंने सोचा इसको मैं शॉटगन से फिनिश करूँगी, शॉटगन आज मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रही है ना, तो इसलिए मैंने इसको शॉटगन से फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे मैं पूरी तैयार थी, मेरे पास सारी अच्छी लूट आ चुकी थी, तो यहाँ पर मुझे ना एक बंदा मिला, उस बेचारे के साथ प्रैंक हो गया, उनकी बाइक ने उनका साथ नहीं दिता। मेरे नाल भी इंज बहुत दफ़ा होया है, तो इसकी बाइक पुठी सीधी हो गई और यहाँ पर इसकी मौत की वजह बनी इसकी बाइक। और यहाँ पे ये बलोच साहब मुझे बदला लेने आया था, और इसका बदला मैंने ख़त्म कर दिया इसकी बगले इसकी बदले की आग मैं ख़त्म कर देती, और ये जो बेचारा बाइक वाला था इसको भी मैंने मार दिया। यार इतनी को खुशी होती है ना, इतनी को खुशी होती है जदों तुहानू ना किल मिल जाए, ना चोरी करने वास्ते किल मिल जाए। इतने मैं चोरी किया है किल, और वो भी किल चोरी किया जाए बोट का। इसको बेचारे को डाउन किया हुआ था बोट नहीं, और इसकी पेटी लूटने आया हुआ था बोट ही। दोनों बेचारे जन्म जन्म के साथी थे, प्यार मोहब्बत का सीन था, इसलिए दोनों की पेटियां साथ पड़ी हुई हैं। सामने एक बंदा था, मैंने कहा इसको नेट कैच कराती हूँ, क्या पता नेट कैच कर ले ये। तो ये अब मैंने नेट पिन किया और इसके ऊपर फेंक दिया, बट ये कैच नहीं कर सका, ये आउट हो गया। तो ये छत के ऊपर चढ़ा हुआ था बंदा, ये ना छाल मारने लगेगा। मैंने इसकी टेंट फोड़ने की बड़ी कोशिश की, टेंट नहीं फूटी उसकी, और हंस गया। मुझे लगा ये दरवाजे पीछे छुपया होगा, तो मैंने दरवाजे के पीछे दरवाज़ा तोड़ दिया। मैंने कहा शायद पीछे छुपा होगा तो ये फोत हो जाएगा, बट इसके पीछे नहीं छुपा होगा। यार यहाँ पे जो बंदा था ना, ये बड़ा हैवी था, ये मैं यहाँ पे बोट आएगा, मैं बोट को मारी होंगी। मुझे लगा ये बाई निकल के बोट को फिनिश करके मेरा किल चोरी करने लगा है, लेकिन वो मुझे ही फायर कर रहा था। इसका टीममेट शोखा बंदर, इन्हें मेरा किल चोरी कर लेता। तो यहाँ पे इसके अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया हुआ था। ये बहुत हैवी प्लेयर थे दोनों ही, इसको मारने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, बट फिर ए मर गया। तो हले थोड़ा जहा हथ पैर हिलाता पे है, जान निकल तो पहले बंदा थोड़ा जहा तड़पता है ना, तो वो तड़पता पे है अच्छा ये थोड़ा सा तड़प रहा है, तो अभी ये बेचारे की बारी आ जाएगी फोत की होने की। तो ये भी बाहर निकलेगा, काफ़ी इसने मुझे लो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये फोत हो गया। इसी के साथ इसका टीम मेट आया ऊपर से छाल मार के, इसकी भी मैंने टेंट फोड़ दी। अब जो इनका जो लास्ट रहेगा ना, वो देखिएगा क्या करके बैठा होता ऊपर। मुझे लगा था कमरे के अंदर गुस्सा होगा, वो अपनी सांसें बंद करके बैठ गया ऊपर। मैंने ना प्री फायर दे दिया कमरे के अंदर, मैंने कहा बाहर निकलेगा ना मुझे मारने के लिए तो मर जाएगा। एकदम से मेरी साइड पे नज़र पड़ी, वो नुक्कर में लगा हुआ है, वो इस बेचारे को भी मैंने फोत कर दिया। बेचारा डरा पड़ा था क्योंकि इसको माइनस का डर हो रहा था। और यहाँ पे मैंने इन तीनों को ख़त्म कर दिया, और जिनका जो चौथा था ना, वो इन तीनों को रिकॉल करवाने के लिए चला गया था टाइम से ही, क्योंकि माइनस का इन लोगों को डर लग रहा था थोड़ा बहुत। अच्छा तो यहाँ पे मैंने इनको पूरा ख़त्म किया और इन लोगों की पेटियाँ लूटी। वो बंदे की ना मुझे टेंडर नज़र आई, मैंने इसको ना अल्ट्रा प्रो मैक्स स्प्रे दे के काफ़ी रो कर दिया, बट वो किल नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर रश कर देती हूँ, अभी बेचारा डरा होएगा काफ़ी, अभी तो ताज़ा तो ज़ख्म दिए हैं, तो अभी ये डरा पड़ा होएगा। तो उतनी देर में जब मैं रश करने के लिए इसके ऊपर आई, तो इसका मुझे हल्का सा साउंड आया, ये आके ना यहाँ पे आके लेट गया था शुरू में आके। फिर मैंने इसको बोला भाई भाई कैच तो करो कैच। ओके ये देखो ये कैच करके दिखाएंगे हमें, वाह व्हाट अ कैच। तो ये फोत हो गया। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर बंदा ढूंढती रही, लेकिन बंदा तो मेरे सामने था, सामने वाली घर में ना एक बंदा था, लेकिन मैं इधर उधर देखती रही। फिर मुझे हल्का सा पता चला कि यहाँ पे बंदा है, उसकी मुझे टेंडर नज़र आई इसकी। आप लोगों को भी टेंडर नज़र आ रही होगी, अभी देखिएगा आप लोगों को भी नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको भी बोला नेड तुम आप क्या नेड कैच कर पाओगे, क्या आप नेड कैच कर लोगे? नहीं तेनों नेड कैच करना ही पौगा, तेनों करना ही पौगा। देखा कर लिया इसने भी नेट कैच, इसने मेरा किल चोरी किया था अभी, जिसको मैंने नेट कराया था ना पिछला, इसने उसको मार के किल चोरी किया मेरा। मेरा डबल बदला तो बनता था ना इससे, तो मैंने इसको फोत किया यहाँ पे, इसकी भरपूर लूट की, और मैं यहाँ से निकल गई। पुचिंकी खाली हो गया था फुल, मैंने पुचिंकी खाली किया। और यहाँ से मैं जब निकली
तो मुझे ये बंदा नजर आया, ये अपनी कार की तरफ जा रहा था, ये अपने बेल के पास जाना चाह रहा था अपनी कार में बैठ के, बट मैंने इसको जब मारा ना तो कार के पीछे जाके लेट गया। तो ये कितना तेज था, जब मेरी गोलियां खत्म होने लगी ना रिलोडिंग पे, जब लगने लगी मेरी गन, तब निकला कि मुझे नहीं लगेगी मैं बच जाऊंगा, लेकिन इन्हों की पता मेरा कि रैंक के गए। मैं तो वैसे ही रश खेल रही, मैं इसके पास चली गई, बेचारा कोने में पलक के बैठा हुआ था, मैंने शेक के अंदर देखा ना जब कोने में लग के बैठा हुआ है, तो मैंने इसको ना पीक एंड फायर करके मार दिया। इसका बेली दूर था, वो इसको देख रहा था, इधर बेचारा ये तड़प रहा है और उसका टीममेट इसको बचाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा इसको भी मैं मार देती हूँ, दोनों को एक ही जगह पहुँचा देती हूँ लोबी में। तो इसको भी मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, इसको यहाँ पे मैंने फिनिश किया, इसकी लूट छूट की। इसके पास इतना कुछ खास सामान नहीं था, फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठी, मैंने कहा उसको भी फिनिश कराती हूँ इससे पहले कि मेरा कोई किल चोरी कर ले। आज मेरे कितने किल तो चोरी हुए हैं। तो जब मैं उसको मारने के लिए गई, मुझे लगा कमरे के अंदर भी कहीं बैठा होगा, हर जगह मैंने देख लिया लेकिन नहीं मिला, वो ब्रोकन वॉल के पास बैठा हुआ था। इसको भी मैंने फिनिश कर दिया। फिर मैं यहाँ से निकली बंदे ढूंढने के लिए। यार क्राउन वन की लॉबी में पता क्या होता है, जितनी हैवी लॉबी होगी उतने बंदा ना कैंपिंग कर रहे होंगे, चार चार बंदे मिलके कैंपिंग कर रहे होते हैं। अब मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने का क्या फ़ायदा हुआ, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड क्राउन की लॉबी में, क्योंकि सारे के सारे कैंपिंग करके बैठे होते हैं, कोई भी नहीं निकलता एक बंदी को भी मारने के लिए। मैं अब सोचती हूँ क्यों खेल दे लिवीनो 1v4 खेल दे प्लेटिनम दी लॉबी विच, वो इसलिए खेलता है क्योंकि खेलता है क्योंकि यार बंदे नहीं आते क्राउन की लॉबी में, बंदे नहीं निकलते कवर से बाहर कैंपिंग करके, तो कोई सोलो एक बंदा भी मार दे दो तीन बंदों को ना, तो यहाँ पे चार चार अगर कैंपिंग करके बैठे हो तो उनके लिए मुश्किल बात नहीं है एक बंदे को मारना, तो तभी वो खेलता है लो लॉबी में। हैवी लॉबी में ये सीन होता है, मैं खुद हर जगह बंदा ढूंढ रही थी लेकिन बंदा नहीं मिल रहा था कोई भी, सारे के कैंपिंग में जाके बैठे हुए थे। एंड पे इतना कोई बैड सीन हुआ है, मतलब मुझे इतना गुस्सा आया जब मैं फोत हुई ना, या मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ बंदा ही नहीं कोई मिला, यही मुझे बस नजर आया, इसको मैंने डाउन कर दिया। इसके ऊपर किसी ने स्मोक कर दिया, मैंने यहाँ पे ना मोली इसके ऊपर फेंक दी कि शायद मोली लगे तो ये फोत हो जाए, तो फिर मैं इसके ऊपर स्मोक हो चुका था। फिर हर जगह मैंने बंदा देखा, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था, मैं खुद भी जब रैंक करी होती थी ना मैं खुद नहीं निकलती थी। अभी जो भी रैंक करते ना वो थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करते कि माइनस ना लग जाए, तो इतनी हैवी लॉबी में सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्राउन की लॉबी है, मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप लोगों को नहीं यकीन आ रहा इस मैच के एंड पे आप लोग मेरा टीयर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे बंदे कोई नहीं दिख रहे थे, अभी ये घास में बंदा लेटा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, कानों कान खबर ही नहीं थी मुझे इसकी, और ये मुझे मार गया और यहाँ पे मैं फौत हो गई। तो बस इधर तक की थी ये मेरी ज़िंदगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी चैनल को, अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और आप ये देख लो क्राउन की लॉबी अभी आप लोगों को शो भी हुआ होगा, तो बस यही सीन चल रहा है।